हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड हाउ आर यू। एंड टुडेज टॉपिक इज सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम और सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में न्यूरॉन्स को पढ़ लिया था। किसको पढ़ लिया था? न्यूरॉन्स को पढ़ लिया था। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा होगा उसको मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो जाके वहां से चेक कर लेगा। ओके, और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स के बारे में, जो कि ग्लियल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लियल सेल्स होते हैं। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए कि ग्लियल सेल्स आखिर में होते क्या हैं। हाँ, क्या होते हैं ग्लियल सेल्स? होते क्या हैं? तो आज हम पढ़ेंगे ग्लियल सेल्स के बारे में। जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है वो टू टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है। क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है। जो हमारा मेन सेल्स होता है, मेन फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल्स जो होता है वो न्यूरॉन सेल होता है, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। ओके, और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप का सेल्स, जो ग्लियल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लियल सेल्स होते हैं जो कि एसेसरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेसरी सेल्स होते हैं। मींस जो हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं, क्या नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं ग्लियल सेल्स। क्या होते हैं? ग्लियल सेल्स उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ओके, तो हम देखेंगे ग्लियल सेल्स, आखिर में ग्लियल सेल्स का मीनिंग क्या है। ग्लियल सेल्स जो टर्म ग्लियल लिया गया है वो एक ग्रीक वर्ड ग्लिया से लिया गया है। क्या से लिया गया है? ग्लिया से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है ग्लू। क्या होता है? ग्लू। ग्लू देखते हैं, एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। क्या होता है? जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, वो बिल्कुल मतलब सॉफ्ट होता है, वो टच करने में भी सॉफ्ट होता है। और एक किसी भी जो कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसको वो क्या करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये ग्रीक वर्ड ग्लिया से लिया हुआ है, ग्लियल्स, जिसका मींस होता है ग्लू। ग्लू मींस जिलेटिनस सब्सटेंस। क्या होता है? जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। तो आज हम जानेंगे ग्लियल सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लियल सेल्स, ग्लियल सेल्स मेनली जो होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? फोर टाइप्स के होते हैं। और भी होते हैं, बट मेनली जो जिन्हें हम पढ़ते हैं वो फोर टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट में जो हमारा आ जाता है एस्ट्रोसाइट सेल्स। क्या आ जाता है? एस्ट्रोसाइट सेल आ जाता है। और नंबर सेकेंड में आ जाता है ओलिगोडेंड्राइट सेल। और थर्ड नंबर होता है एपिडाइमल सेल। और फोर्थ नंबर होता है क्या? माइक्रोग्लियल सेल, ग्लियल सेल। तो एक एक करके हम सारे सेल्स के बारे में समझेंगे, सारे सेल्स के बारे में समझेंगे। जैसा कि हमारा न्यूरॉन्स जो होता था उसमें वो उसके तीन पार्ट्स में डिवाइड होता था, जो सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। बट ये जो ग्लियल सेल्स होते हैं इसमें ना तो एक्सॉन पाए जाते हैं और ना ही डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, इसमें केवल सेल बॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केवल सेल बॉडी पाया जाता है, ओनली सेल बॉडी के बने होते हैं। इसमें ग्लियल सेल में एक्सॉन और डेंड्राइट्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। ओके, तो हमारा जो ग्लियल सेल्स होता है ये मेनली फोर टाइप का होता है, और इसमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। ये क्या करता है? न्यूरॉन सेल्स का सपोर्ट करता है। क्या करता है? न्यूरॉन सेल का सपोर्ट करता है। जैसे हमें कोई भी सिस्टम चलाना हो, मान लो हम एक इजी वे में ले चले, हमें हमारे घर का जो है, घर का जो सिस्टम है उसको मेंटेन रखना है, तो अगर एक पर्सन घर का, कोई भी एक पर्सन सारे काम को करेगा तो वो अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, वो थक जाएगा। क्या हो जाएगा? थक जाएगा। तो क्या होगा? हमें मतलब हमारे होम में जितने भी पर्सन होते हैं वो अगर मिलजुल के काम करेंगे, कोई खाना बनाने का काम करेगा, कोई साफ सफाई का काम करेगा, और कोई सबको हैंडल करने का काम करेगा, सारे पर्सन जो फैमिली मेंबर्स होंगे सबको हैंडल करने का, जो मेन वहाँ का जो मुखिया होगा घर का वो सबको हैंडल करने का काम करता है। ऐसे ही हमारे नर्वस टिश्यू में, नर्वस सिस्टम में टू टाइप्स के सेल होते हैं। जो मेन सेल होता है वो क्या होता है? न्यूरॉन सेल होता है। क्या होता है? न्यूरॉन सेल होते हैं। और सारे हेल्पर्स होते हैं, जो ये ग्लियल सेल्स होते हैं ये हेल्पर्स के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? हेल्पर्स के रूप में काम करते हैं, जो कि फोर टाइप्स के होते हैं। नंबर वन होता है एस्ट्रोसाइट सेल। क्या होता है? एस्ट्रोसाइट सेल, जो कि ये
क्या करता है ये न्यूरॉन सेल को न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस आयंस वगैरह प्रोवाइड करता है। क्या करता है न्यूरॉन्स सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स में एस्ट्रो मींस होता है स्टार, क्या होता है एस्ट्रो स्टार से लिया गया, एस्ट्रो मींस स्टार होता है और साइट्स मींस सेल, तो एस्ट्रोसाइट्स इसी ये स्टार की तरह दिखता है। किसी तरह दिखता है स्टार की तरह दिखता है, जैसे हमारा स्टार होता है ऐसे ही ये ऐसे ही कुछ दिखता है, ऐसे दिखता है स्टार की तरह, इसीलिए इस सेल को हम एस्ट्रोसाइट्स नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है एस्ट्रोसाइट्स नाम दिया गया है इसके शेप के बेसिस पे, इसके शेप के बेसिस पे इसे एस्ट्रोसाइट्स नाम का नाम दिया गया है। और ये क्या करता है ये जो एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है एक न्यूरॉन्स को, हमारे जो मेन सेल्स नर्वस टिश्यू के नर्वस सिस्टम के मेन का मेन सेल न्यूरॉन्स जो होता है उसको एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन नेटवर्क। क्या करता है प्रोटेक्शन नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिससे ब्रेन के अंदर कोई बाहरी अदर टॉक्सिक सब्सटेंस ना आ पाए। क्या ना आ पाए कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ना आ पाए, वो एक क्या करता है वैरियर के रूप में काम करता है, एक प्रोटेक्शन नेटवर्क प्रोवाइड करता है। क्या करता है एक प्रोटेक्शन नेटवर्क प्रोवाइड करता है। और क्या करता है और ये कैपिलरीज जो जहां से हमें ब्लड मिलता है, जहां से हमारे ब्रेन को ब्लड मिलता है, कैपिलरीज और न्यूरॉन्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। किसका काम करता है कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, ये इसलिए कनेक्टिंग और कनेक्टिंग लिंक का काम करता है और बैरियर का भी काम करता है। किसका काम करता है बैरियर का काम, मींस जैसे जब ब्रेन को ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड जब हमारे ब्रेन को जाता है न्यूरॉन सेल्स को जाता है तो ये क्या करता है कि ब्लड को पहले अच्छी तरह से चेक करता है। क्या करता है अच्छी तरह से चेक करता है, जैसे कोई भी मान लो हमारे घर में जो मेंबर जैसे होता है कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो होते हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। किसका काम करता है सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, जैसे कोई बाहरी मेंबर अगर हमारे घर के अंदर आए या ऑफिस के अंदर आए तो उसे सबसे पहले क्या होता है चेकिंग करना होता है। चेकिंग में हम देखते हैं हमें ये चीज हमें बताना होता है कि हम कौन है कहाँ से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, हमारा क्या काम है, वो चीज क्या उसका काम जो सिक्योरिटी का काम होता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है, वो जो नर्वस सिस्टम के एस्ट्रोसाइट सेल्स करते हैं। क्या करते हैं नर्वस सिस्टम के एस्ट्रोसाइट सेल करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं, वो ब्लड में चेक करते हैं कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह तो नहीं आ गया, कोई वायरस बैक्टीरिया जो भी है ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है, वो उसको बिना चेक किए। तो इसीलिए ये क्या करता है कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करते हैं, वैरियर का काम करते हैं, कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करते हैं कैपिलरीज और न्यूरॉन्स के बीच। किसके बीच कैपिलरीज और न्यूरॉन्स के बीच कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करते हैं। और ये उसके साथ साथ क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं ये और ये न्यूरॉन्स सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर सिनेप्स के लिए। जो जैसे हमारा जो एक न्यूरॉन जो होता है न्यूरॉन सेल जब दूसरे न्यूरॉन सेल से कनेक्ट होता है, एक न्यूरॉन सेल जब दूसरे न्यूरॉन सेल को कनेक्ट करता है क्या करने के लिए मैसेजिंग करने के लिए, मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, जब एक न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन सेल को कनेक्ट करता है तो जो उसके सिनेप्टिक बल्ब होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन्स के अदर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से जब मिलते हैं तो उसके जो जो कनेक्शन का जो लिंक होता है उसके बीच की जो प्लेस होता है, बीच का जो स्पेस होता है उसे स्नैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्नैप्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया होगा स्नैप्स किसे कहते हैं। मान लो जैसे ये यहाँ से ब्रांचिंग होके आ रहा है, एक्जॉन की ब्रांचिंग होके आ रही है, ये सिनेप्टिक बल्ब बन गया और यहाँ से अदर दूसरा क्या हो गया दूसरा पता नहीं यहाँ पे आप हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ यहाँ पे जैसे देख लेते हैं ये क्या हो गया यहाँ पे मान लो एक्सॉन आ रहा है, से क्या आ रहा है एक्सॉन आ रहा है, अब यहाँ पे ब्रांचिंग हो करके एक्सॉन की यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रांचिंग हो करके एक्सॉन की ये क्या हो गया इसमें सिनेप्टिक बल्ब में बदल चेंज हो गया, क्या हो गया सिनेप्टिक बल्ब में टर्मिनेट हो गया और इसमें क्या हो गया सिनेप्स जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, यहाँ से अदर जो न्यूरॉन्स है वो आकर के यहाँ इसको क्या करेगा रिसीव करेगा, रिसेप्टर का काम करेगा, जो यहाँ पे कुछ चैनल्स वगैरह पाए जाते हैं डेंड्राइट्स पे डेंड्रॉन पे
तो यहाँ पे ये रिसेप्टर का काम करते हैं, तो इसके बीच का जो स्पेस होता है ये स्पेस, इसको सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो इसी सिनेप्स को ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसको। ओके तो एस्ट्रोसाइट क्या हो गया? स्टार शेप होता है। और हाँ, ये क्या करता है? ये ब्लड, ट्रिपल बी से याद रख लेना, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। अभी हमने फर्स्ट पहले आपको बताया है, जैसे ये ब्लड और ब्रेन, ब्लड और ब्रेन के बीच में क्या करता है? बैरियर का काम करता है। क्या करता है? बैरियर का काम करता है। इसीलिए एस्ट्रोसाइट सेल को हम ब्लड ब्रेन बैरियर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर सेल बोलते हैं, कि ब्लड और ब्रेन के बीच में ये क्या करता है? बैरियर का काम करता है। बैरियर मतलब कि बिना चेक किए वो ब्लड को बिना चेक किए ब्रेन के अंदर नहीं आने देता। ए स्ट्रक्चर दैट ब्लॉक टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू ब्रेन। क्या है ये? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए एक ब्लॉक का काम करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए इसको हम एस्ट्रोसाइट सेल को ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा एस्ट्रोसाइट सेल। क्या हो गया? फर्स्ट टाइप का सेल एस्ट्रोसाइट सेल हो गया। ओके अब नंबर सेकंड पे आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये भी क्या करता है? ये भी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि एक्सॉन्स, जो न्यूरॉन्स का एक्सॉन पार्ट होता है उसमें माइलिन शीथ को, माइलिन शीथ को का स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? माइलिन शीथ का स्ट्रक्चर बनाता है जो ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या होता है? हमारे सीएनएस पार्ट के एक्सॉन में क्या करता है? माइलिन शीथ को प्रोवाइड करता है। किसमें? फॉर्मेशन करता है सीएनएस पार्ट में, जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो सीएनएस पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होता है वो माइलिन शीथ को का फॉर्मेशन करता है। और एक सेल, इसी ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल में ही एक स्वान सेल आता है, स्वान सेल के नाम से जिसे जानते हैं। दोनों एक ही हैं, बस ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में जो माइलिन शीथ बनाते हैं उनको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं, और जो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ एक्सॉन में जो माइलिन शीथ बनाते हैं उसे हम स्वान सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वान सेल बोलते हैं। ओके तो ये ये ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल हमारा क्या करता है? माइलिन शीथ प्रोवाइड करता है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। और नंबर थर्ड पे हम देख लेते हैं एपेंडाइमल सेल। क्या देख लेते हैं? एपेंडाइमल सेल। ये हमारा थर्ड टाइप का एसेसरी सेल होता है, डीएल सेल होता है, जो कि फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल, जो हमारा ब्रेन का जो वेंट्रिकल होता है, क्या होता है? वेंट्रिकल होता है, उसमें लाइनिंग प्रोवाइड करता है। लाइनिंग क्यों प्रोवाइड करता है? जिससे कोई ये शॉक को शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है। क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है। जैसे मान लो हमारे उसमें क्या करते हैं, ये कोई इंजरी हो जाए, क्या हो जाए? कोई इंजरी हो जाए, मान लो बाय चांस कोई, ऐसे जल्दी इंजरी तो होता नहीं है क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है इतना वेल प्रोटेक्टेड होता है कि उसमें बहुत ही सारे मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चरल, ऐसा मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन का, ब्रेन में जो सपोर्ट करने वाले सेल होते हैं और क्रैनियल बॉक्स का हमारे। तो मान लो बाय चांस कोई इंजरी हो जाए तो उस इंजरी से प्रोटेक्शन के लिए हमारे एपेंडाइमल सेल का काम करता है। क्या कैसे काम करता है? ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। और जिससे मतलब कोई अगर मान लो कोई शॉक लगता है हमारे ब्रेन को, कोई शॉक लगता है तो ब्रेन हमारा इतनी अच्छी तरह से, जैसे फ्लूइड जब भरा रहेगा ब्रेन के चारों तरफ, जब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है तो वो शॉक को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे इंजरी से हमारा जो ब्रेन होता है वो बच जाता है। अब लास्ट टाइप का जो सेल है माइक्रोग्लियल सेल। क्या है? माइक्रोग्लियल सेल है। लास्ट टाइप का हमारा सेल जो है ये माइक्रोग्लियल सेल है। माइक्रोग्लियल सेल जो है वो स्मॉलेस्ट सेल आपका नर्वस सिस्टम है। क्या है? स्मॉलेस्ट सेल आपका नर्वस सिस्टम है। ये सबसे छोटा सेल है। क्या है? इसलिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो, माइक्रो मींस छोटा, तो माइक्रोग्लियल सेल ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है नंबर जो हमारे नर्वस सिस्टम का। डिराइव्ड फ्रॉम हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ये कहां से डिराइव होता है? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से डिराइव होता है। और ये इसका नेचर कैसा होता है? फैगोसाइटोसिस करता है। ये फैगोसाइटिक नेचर होता है। क्या नेचर होता है? फैगोसाइटिक नेचर होता है।
सपोज दैट हमारे ब्रेन में मान लो कोई एंजरी हो जाती है, क्या हो जाती है, एंजरी हो जाती है, तो जो डेड सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, ईट करने का काम करता है, उनको खाने का काम करता है, उनका सफाई, जैसे कोई भी सिस्टम होता है अगर हम साफ सफाई उसकी नहीं करेंगे तो उसमें कचरे जम जाएंगे, कोई भी मशीन होती है मशीन की अगर हम टाइम टाइम से साफ सफाई नहीं करते रहेंगे तो क्या होगा, उसमें कचरे जम जाएंगे, उसमें उसमें बीमारियां आ जाएंगी, जो भी होगा मशीन अच्छी तरह से चलेगी नहीं। तो इसी तरह से ये नर्वस सिस्टम में जो भी डेड सेल्स होते हैं या कोई बाय चांस कोई इंजरी हो जाती है हमारे ब्रेन में, तो ये क्या करता है, उन डेड सेल्स को क्या करता है, खाने का काम करता है, क्या करता है, खाने का काम करता है। जैसे हमारे ब्लड में फैगोसाइटिक सेल होते हैं उसी तरह से ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, मैक्रोफेज का काम करता है, किसका काम करता है, मैक्रोफेज का काम करता है, साफ सफाई का काम करता है, वो सेल्स को क्या करता है वहां से बाहर भगा देता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो क्या होते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है वो ट्यूमर वगैरह से या बहुत ऐसे कैंसर वगैरह से बच जाता है। ओके, तो आज हमने क्या क्या समझा, ग्लियल सेल्स के बारे में समझा, जो कि ग्रीक वर्ड ग्लिया से लिया गया हुआ है, जिसका मींस है ग्लू मींस जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये मेनली ये फोर टाइप्स के होते हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल, माइक्रो ग्लियल सेल। सारे के हमने एक एक फंक्शन भी एक मतलब एक एक करके हमने सारे के फंक्शन भी समझ लिए। तो आज का लेक्चर बस इतना ही।